जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी साथियों। तो फिर कैसी आपकी तैयारी है, एक बार आप मुझे अवश्य ही कमेंट सेशन में लिख के बताना साथियों। जैसा कि री एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि दीदी आप प्लीज एक बार हमें आंसर कर दो। देखो, बहुत सारे कमेंट का आंसर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं और जिनकी एज नहीं है फिलहाल की कंडीशन में, जिनकी अब एज हो गई है, तो वो भी सोच रहे हैं कि क्या पता फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे। और जो भर चुके हैं उनका भी, कुछ बच्चों का डाउट है, तो देखो फॉर्म दोबारा नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। क्या एडमिट कार्ड दोबारा आएगा? हाँ, एडमिट कार्ड आपका दोबारा आएगा, ठीक है, समझ गए ना। जो फॉर्म आपने पहले भरे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब बात करेंगे पहले पेपर होगा या दौड़ होगी, तो मैं आपको बता दूं पहले आपका पेपर होगा, ठीक है। पहले आपकी रिटन परीक्षा होगी। अब ये तो सरकार ने नहीं बताया कि हम एक पाली में कराएंगे या दो पाली में कराएंगे। कल एक वायरल नोटिस हो रहा था कि री एग्जाम की डेट आ गई, जो कि गलत था। अप्रैल में बताया जा रहा था, एक नहीं दो दो वायरल नोटिस हो रहे थे, एक जून में एग्जाम बताया जा रहा था। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में एग्जाम डेट आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम डेट आपकी क्लियर होगी तो वो डायरेक्ट आपकी भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। अब बात करेंगे री एग्जाम कब होगा, उससे पहले आप इसको देख लो, जिसने पेपर नहीं दिया उसे मौका मिलेगा या नहीं। बहुत सारे बच्चे, कुछ ना कुछ स्थिति रही होगी जिसके कारण वो पेपर नहीं दे पाए, नहीं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना हर उन व्यक्तियों का था जिन्होंने फॉर्म भरा था, ठीक है। क्योंकि वो फॉर्म ही क्यों भरते, 400 रुपए का चालान लगता है, 50-60 रुपए आपके ऑनलाइन फॉर्म में लग जाते हैं। कोई ना कोई स्थिति तो रही होगी, कोई ना कोई इमरजेंसी तो रही होगी जिस कारण आप फॉर्म तो भर दिए लेकिन एग्जाम में नहीं जा पाए। तो देखो उनको दोबारा मौका मिलेगा, जिन्होंने भी पेपर नहीं दिया उनको फिर से मौका मिलेगा, तो वो अपनी तैयारी में लग जाए, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को। री एग्जाम कब तक होगा, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था 6 माह के अंतर्गत आपकी परीक्षा पुनः सुचारू रूप से कराई जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अभी आप मान सकते हैं कि आपके पास 2 से 3 महीने अच्छे तरीके से हैं। वो कैसे, तो देखो मैं आपको बता दूं, चुनाव हैं आपके मार्च अप्रैल, तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है मई जून की, तो ये मई जून में पेपर करा सकते हैं। ये मत सोचना कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन था, ये 1-2 महीने रुकेंगे, नहीं, रुकने के लिए 6 महीने में जो समय दिया है 6वें महीने में भी करा सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से परेशान थे जब ये फॉर्म भरा गया उसके 1 महीने बाद ही एग्जाम हो गया, लेकिन अभी आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने नहीं तो अभी आपकी फरवरी चल रही है, फरवरी निकल ही गई, मार्च अप्रैल 2 महीने तो आपके पास एकदम मजबूत तरीके से है। आप अपना जो भी फोकस है 2 महीनों पर रखें, सिलेबस को कंप्लीट तो आप कर ही चुके हैं, रिवीजन करो, और जो 4 पेपर हुए हैं ना उनको तो अच्छे तरीके से एक बार पढ़ो और देखो कि हमारी गलतियां कहाँ थी, उस टॉपिक को अच्छा करो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो इस बार का पेपर आया था ना वो अच्छे लेवल का पेपर था, ठीक है। पुलिस प्रणाली को पढ़ने की कोशिश करो, एक बुक ले लो, वैसे तो मैं भी पढ़ाऊंगी, गणित मैंने शुरू कर ही दिया है, टाइम एंड वर्क मैंने कल से शुरू किया था, आज आपके टाइम एंड वर्क की क्लास 2 दोपहर 12 बजे आ जाएगी, ठीक है साथियों। आज की वीडियो में मुझे इतना ही कहना था, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद साथियों।